वो इस वक्त खत्म हो गई है। बड़ी खबर, पीएम मोदी की भावी मंत्रियों के साथ बैठक खत्म हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इस बार अनुमान जताया जा रहा है कि 2014 की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 45 से 50 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। आगे का विस्तार होगा, लेकिन फिलहाल जो शपथ ग्रहण में मंत्री शामिल रहेंगे, जिनको मंत्रिपद की शपथ दिलाई जाएगी, लगभग उनकी संख्या 45 से 50 हो सकती है। 2014 में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जब 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो उनके साथ 45 मंत्रियों ने शपथ ली थी। और इस बार भी लगभग जो नाम तय हुए हैं उनसे चर्चा की गई है, उनको चाय पर बुलाया गया और फिलहाल जो बैठक थी वो खत्म हुई। 4:30-5:45 बजे से ये बैठक चल रही थी, चाय को लेकर चर्चा हो रही थी चाय पर, इन पूरी तस्वीरों को देखते हुए। और उसके बाद अब ये बैठक खत्म हुई है, बहुत कम वक्त बचा हुआ है। पूरे देश और दुनिया की निगाहें हैं महानायक की महाशपथ की तस्वीर पर। 7 बजे का वो समय होगा जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से, यानी दोबारा से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐतिहासिक पल होगा, पूरे देश की निगाहें हैं इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर इस बार का कितना भव्य, कितना ग्लोबल तरीके से शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये देखने के लिए लगातार जी राजस्थान पर आप महाकवरेज देखते रहिए, हम पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली में कब क्या कैसे क्या मूवमेंट चल रहा है, हर पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जो भावी मंत्रियों के साथ बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री की, वो खत्म हो चुकी है। समय बहुत कम बचा है, काउंटडाउन शुरू हुआ है, लगभग 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है और 1.5 घंटे बाद जो तस्वीर आप देखेंगे दुनिया उसका इंतजार कर रही है। विदेशी मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। खास बात यह है 2014-2019 का अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे खास बात यह है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ग्रहण करेंगे तो पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा यहां पर नहीं होगा। 2014 में नवाज शरीफ, जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान में, वो शामिल हुए थे। कहा जाता है कि दूध से जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लगता है कि वो असर भी यहां दिख रहा है। एक बार पाकिस्तान को साफ हिदायत दे दी गई है कि इस बार आप पहले आतंकवाद को खत्म कीजिए, पहले उस पर ब्रेक लगाइए, उसके बाद भाईचारे की बात होगी, उसके बाद आगे की बातें होगी, उसके बाद आप हिंदुस्तान में कदम रखिएगा, उससे पहले आपकी नो एंट्री। तो निश्चित तौर पर वो तस्वीर भी आप यहां पर थोड़ी देर में देखेंगे, 7 बजे की तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण होगी, ऐतिहासिक होगी, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। वो तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच हम पल पल की अपडेट भी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त हलचल बढ़ रही है, तमाम विदेशी खास मेहमानों का आना शुरू हो चुका है, उनका स्वागत चल रहा है। अंकित इस बीच फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से पल पल की अपडेट हमको दे रहे हैं। अंकित, आप इस वक्त दिल्ली में हैं, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, लगभग 1.5 घंटे बाद वो तस्वीर दुनिया और देश के सामने होगी, इसका सब इंतजार कर रहे हैं, महानायक की महाशपथ। लेकिन उससे पहले की क्या तस्वीर दिल्ली में इस वक्त, क्या हलचल, क्या तैयारी? जी बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर हूँ और यहाँ से जो बैठक चल रही थी नवनिर्वाचित जो मंत्रिमंडल है उनके सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो खत्म हो गई है और उसके बाद सदस्यों का निकलना शुरू हो गया है। अभी तक अगर हम बात करें तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, जितेंद्र सिंह, शिवराज सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, हर्षवर्धन यहाँ से पीएम आवास से निकल चुके हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी भी दिल्ली में ही है। हालांकि अश्विनी चौबे, किरण रिजिजू, संतोष गंगवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाय पे चर्चा के बाद यहाँ से निकले और लगातार जो नए मंत्रिमंडल है उनके सदस्यों का निकलना जारी है। इन सभी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी हुई है और स्पष्ट उन्होंने, जहाँ हमारे सूत्र बता रहे हैं बैठक में, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो मैंडेट जनता ने भारी बहुमत के साथ दिया है तो वो उस पर खरा उतरने की अब जिम्मेदारी है। अंकित, एक बड़ा सवाल निश्चित तौर पर, देखिए कैबिनेट का रूप कैसा होगा, कैबिनेट पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो योजनाएं हैं, जो कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो जो एक बर्डन होगा वो कैबिनेट पर ही होगा, तो कैबिनेट का जो स्वरूप है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से अंकित कि लगभग तय हो गया है अमित शाह का कैबिनेट में शामिल होना, क्या कोई जानकारी है इस बाबत आपके पास? देखिए, अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक से बाहर निकले हैं और ये स्पष्ट तौर पर खबरें आ रही हैं कि अमित शाह भी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। जाहिर है अमित शाह का सबसे बड़ा है और टीम मोदी के सबसे ताकतवर चेहरे हैं, सेनापति हैं भाजपा के, उनकी रणनीति के बूते ही भाजपा ने इतनी भारी बहुमत से पूरे देश में विजय हासिल की है। उन्होंने
पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जिनका नतीजा इस बार बहुमत के रूप में देखने को मिला और 303 सीटें अकेले भाजपा अपने दम पर ना पाई। भाजपा के इतिहास में यह पहली बार रहा और यही वजह है कि अब अंकित हम आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम तक नहीं आ पा रही है। तो देखिए लगभग ये जो खबरें हैं कि इस बार कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं अमित शाह, और हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि वित्त मंत्रालय उनके हवाले किया जा सकता है। हालांकि इस बात को लेकर गुजरात के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है, उनको बधाई भी दे दी है, लेकिन तस्वीर थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगी। 7 बजे के बाद एक एक करके वो सारे चेहरे सामने आ जाएंगे जो अब तक संभावित बताए जा रहे हैं, जो 7 बजे तक संभावित हैं। 7 बजे के बाद वो तस्वीर साफ हो जाएगी, मोहर लग जाएगी, और वो एक तस्वीर जिस पर सभी की निगाह है कि आखिर मोदी कैबिनेट की तस्वीर क्या होगी, मोदी कैबिनेट के क्या पैमाने होंगे, कौन से वो चेहरे होंगे, किन पर भरोसा जताया जाएगा। 2014 से 2019 का कंपैरिजन करेंगे तो क्या कुछ अलग होगा कैबिनेट में, वो तमाम ऐसे सवाल हैं जो सबके जहन में है। 7 बजे के बाद वो तस्वीर साफ होगी, लेकिन उससे पहले जो खबरें लगातार आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं।